नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस न्यूज। डीएस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ लवकुश कुमार यादव। बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर, देवा पुलिस ने किया बड़ा काम। आधार कार्ड व पिन कार्ड व पासबुक बनाने वाले, फर्जी दस्तावेज बनाने वाले 5 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने प्रेस वार्ता में क्या कहा, आइए देखते हैं डीएस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट में। जो भारत सरकार के उपक्रम में वैज्ञानिक ने चलखड़ा में और मूल रूप से चंदौली के रहने वाले हैं, उनका एक प्रार्थना पत्र आया था जिसमें उन्होंने बताया कि 1989 में उन्होंने हमारे यहाँ थाना देवा के अंतर्गत रेदुआ पलहरी गांव में 66,000 स्क्वायर फीट लगभग जमीन खरीदी थी जो उनके नाम से है, दाखिल खारिज हो चुकी है। उस संबंध में उनका कहना था कि उनके पास कुछ लोगों ने संपर्क किया कि क्या आप अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। इस संबंध में अनभिज्ञता बताने पर उन्हें जानकारी हुई कि कुछ लोग अरुण कुमार सिंह बनकर उनकी ज़मीन बेचने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर पुलिस सक्रिय हुई और सी ओ सिटी बाराबंकी के नेतृत्व में बनी टीम ने इस पूरे केस को परत दर परत खोला है और इसमें शामिल सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से अरुण कुमार सिंह की कूट रचना द्वारा तैयार कराया गया आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद हुआ है। इस संबंध में जानकारी हुई कि एक ऐसे व्यक्ति का पैन कार्ड तैयार किया गया जिसका आधार कार्ड तैयार किया गया जिसका अरुण कुमार सिंह वास्तविक से कोई लेना देना नहीं है। एक इंपोस्टर की तरह से वो जगह जगह जमीन को बेचने के प्रयास में इस गैंग के साथ शामिल रहा, इसलिए उसको आरोपित किया गया है इस मामले में। इसके जो सूत्रधार हैं उन्होंने अपने गैंग के साथ बहुत योजनाबद्ध तरीके से आधार पैन के साथ साथ बैंक में अकाउंट खोला जिससे कि इस ज़मीन की कुल रचना द्वारा बिक्री का पैसा उसमें जमा कर हेराफेरी की जाए। उस बैंक अकाउंट में भी आज गिरफ्तार कई लोग सम्मिलित रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी का निर्धारण योजना के दौरान किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया, इस पूरे केस को विकसित करने में हमारे एसपी नॉर्थ का मार्गदर्शन रहा। उन्होंने मौके पर पहुंचकर सारे जो बिंदु थे उनका गहराई से परीक्षण किया। हमारे एसओ देवा और चौकी इंचार्ज, पूर्व चौकी इंचार्ज और वर्तमान चौकी इंचार्ज माती दोनों ने बहुत परिश्रम किया और एक बड़ी उलझी हुई गुत्थी को पूरी तरह से सुलझाया। आधार में क्या लूप होल्स हैं, क्या लैग्स हैं, कैसे उनको फुलफिल किया जाए कि जिससे फ्रॉड ना हो? ठीक है, मैं अभी आधार में कोई लूपहोल है इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ये भारत सरकार का विभाग है। लेकिन एक तरह से जानकारी में आया है कि एक सुविधा लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए जरूर है कि आधार में जो नाम दिया है उसमें आंशिक या पूर्ण परिवर्तन किया जा सकता है। ये प्रोसेस ने ऐसा प्रतीत होता है अभी प्रथम दृष्टया कि उस जो ये सुविधा है इसको लूपहोल बनाकर इसका प्रयोग किया है जिससे कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका वास्तविक अरुण कुमार सिंह से कोई मतलब नहीं है, ऐसे व्यक्ति को खड़ा करके उन्होंने एक कूट रचित डॉक्यूमेंट तैयार किया है जिसके आधार पर इस जमीन को कूट रचना द्वारा भेजा जा सकता है। इसमें बताया जा रहा है कि झोला छाप डॉक्टर है और